हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डेविड है। आज मैं आपको एक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा कि जो कि पिक्चर या वीडियो के स्टार्ट में अनफोकस करेगा और जब वीडियो थोड़ी सी चलेगी उसके बाद या इमेज थोड़ी सी इमेज पे भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं या थोड़ा सा आगे जाएगी तो फिर वो फोकस कर देगी यानी क्लियर कर देगी। स्टार्टिंग में वो अनफोकस कर देती है यानी कि उसको क्लियर नहीं करती, धुंधली होती है और जब थोड़ी सी वीडियो चल जाती है या पिक्चर थोड़ी सी आगे चलती है तो वो क्लियर हो जाती है। ये फंक्शन जो इफेक्ट है मैं वो आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा वो कैसे काम करता है। तो मैं एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ से बहुत सारी पिक्चर्स हैं, देखें कंप्यूटर पर अपने पे क्लिक करें यहाँ पर कंप्यूटर और अपनी ढूँढे कि कहाँ से कहाँ पर पड़ी हुई है पिक्चर कोई अच्छी सी। ये मेरे पास जैकलिन फर्नांडिस की पिक्चर है, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ इंपोर्ट ओनली और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ था एक और कर लेता हूँ कोई उसकी जैकलिन फर्नांडिस हॉट गर्ल वेरी वेरी हॉट गर्ल, ठीक है ये वाली, ठीक है इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ दो पिक्चर्स। मूवी पे भी इसी तरह काम करेगा, ठीक है ये मैंने दो पिक्चर्स यहाँ पर अलग अलग रख लेता हूँ, ठीक है मैंने इनके दरमियान स्पेस इसलिए दिया ताकि आपको पता चले, ठीक है ये देखें अभी बिल्कुल क्लियर है। मैंने स्टार्टिंग से इसको कसर आगे लेके जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियर है जो भी है। इसी तरह इसके भी स्टार्टिंग पॉइंट में लेके जाएंगे, देखें गौर करें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है मैं कसर आगे लेके जाता हूँ बिल्कुल क्लियर है। अब मैं अनफोकसिंग का जो स्टार्टिंग से बिगनिंग से अनफोकसिंग करे उसके बारे में करूँगा तो वो इफेक्ट अप्लाई करूँगा। तो वो कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा इफेक्ट्स में इंपोर्ट फेज टाइटल इफेक्ट, तो इंपोर्ट फेज टाइटल इफेक्ट तो इफेक्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रीसेट्स, प्रीसेट्स के ऊपर क्लिक किया, एरो का निशान है, दो ऑप्शंस ओपन होती हैं, पहले वाली जर्नल पे मैंने क्लिक किया और ये ऑप्शंस आ जाती हैं बहुत सारी। तो इसमें तीसरे नंबर पर ऑप्शन आती है बिगनिंग अनफोकस्ड, तो ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्की सी धुंधली भी नज़र आ रही है आधी, ठीक है यहाँ पे आपको देखें मेरा कर्सर भी मौजूद है, इसको देखें मैंने जैसे ही इसको इंसर्ट करूँगा इसके स्टार्टिंग के ऊपर नीचे करूँगा तो ये कहेगा नहीं यहाँ पे अलाउ नहीं, देखें निशान बदल गया है नीचे टाइमलाइन के, ये कह रहा है इसके ऊपर ही अप्लाई कर सकते हो। ये स्टार्टिंग ऐसे इंसर्ट किया तो आप देखें यहाँ पर धुंधली होगी पिक्चर, आपने देखा आप धुंधली होगी, जैसे ये थोड़ी सी आगे चलेगी उसके बाद ये क्लियर हो जाएगी, ये कमाल है इसका। आप दूसरी पे आएँ देखें ये बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। अब इसी फंक्शन इसी को मैं ऐसे ही इंसर्ट करके इसके ऊपर इंसर्ट कर देता हूँ तो देखें ये भी धुंधली होगी ब्लर होगी हल्की सी, इसी तरह जब ये आगे को चलेगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आगे जाके स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अनफोकस करेगा यानी कि क्लियर नहीं करेगा, बिगनिंग क्लियर नहीं होगी उसके बाद थोड़ी सी आगे चलेगी तो वो क्लियर कर देगा, ठीक है ये कमाल है इसका। इसी तरह वीडियो के ऊपर भी ये अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को समझ आ गई होगी, मसला परेशानी हो तो मेरी वीडियो को नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर आने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल होगा और आप उसे फ़ायदा हासिल करें, इल्म हासिल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।